सुल्तानपुर पुलिस पर लगा बड़ा इल्जाम। कोतवाली देहात के कोतवाल दरोगा पर पड़ी खून की छींटें। लाखों की वसूली और हत्या के इल्जाम से सुल्तानपुर में बवंडर। सच का हुआ खुलासा तो होगा सनसनीखेज खुलासा। क्या वजह है भैया घटना की? घटना की वजह मुझे मेरे पीछे षड्यंत्र रचा गया, मुझे गिरफ्तार किया गया, ना कोई मुकदमा, ना कोई कंप्लेन और ना ही कोई FIR। मुझे निमंत्रण से उठाया गया, फिर थाने लाया गया, तो मैं कब पूछा कि कोई कंप्लेन, बोले हाँ कंप्लेन है, तुम्हारे गांव का ही किया है। हम बोले कंप्लेन दिखाया जाए और उसको बुलाया जाए, तो बोले ना कंप्लेन दिखाऊंगा ना उसको बुलाऊंगा, तुम जेल जाओगे। फिर उसके बाद पैसे की बात चलने लगी, तो आनंद गौतम ने 30,000 रुपये का संदेश मेरे पास भेजा और इंस्पेक्टर साहब ने इनसे शायद 1,00,000 का डिमांड किया, चंद्रभान वर्मा ने, कि दे दो हम तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। कल शाम को इनसे बता रही थी, इनको बोले जाओ तुम सुबह आना छोड़ देंगे। ये सुबह आई, चाय दे के मुझे अंदर बैठी थी, इंस्पेक्टर साहब ने इनको बोला माता जी जाओ बाहर, यहाँ ना बैठो। इनको बाहर भेज के वो खुद गाड़ी लेके बाहर निकले। ये बाहर निकली तो बाहर पता चला कि ये हो गया, ये अंदर बैठी थी, बाहर इनको भेजने की क्या जरूरत है। ये मुझसे काफी दूर बैठी थी, 3 दिन से डेली सुबह आती थी, 8 बजे जाती थी, यही ड्रामा ये किए थे। इसमें रमेश यादव, बाप का नाम जगन्नाथ यादव, प्रदीप यादव, सन आप पारसनाथ यादव और चंद्रभान वर्मा इंस्पेक्टर, आनंद गौतम SI, लोकेंद्र सिंह सिपाही और शैलेंद्र यादव सिपाही और एक गाड़ी वाला, इतने लोगों की साजिश है इसमें। और ये हत्या है, मेरे माता और पिता की दोनों की हत्या है। पिताजी बच गए, माताजी खत्म हो गए। ड्राइवर को आनंद गौतम ने भगा दिया। और ड्राइवर को आनंद गौतम ने भगा दिया। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम जितने लोगों का नाम लिए हैं, इतने लोग गिरफ्तार किए जाएं, इतने लोग जेल भेजे जाएं, सस्पेंड किए जाएं, इनकी गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए, तभी हम यहाँ से उठेंगे। किस तरह की घटना है, क्या मामला कैसे हुआ? 11:30 के करीब एक दुर्घटना हो गई है यहाँ पे। ट्रक से राजदेव यादव वाइफ और फीमालाल यादव एक्सीडेंटल डेथ हो गई है और किसी के उसमें जो है अभी उनके बच्चन है उससे पीड़ित हैं और अपनी पीड़ा के कारण उनका ये कहना है कि कुछ दिन पहले उनके बेटे को यहाँ पे थाने में लाया गया था पूछताछ के लिए और उनसे मिलने आई थी, उसी क्रम में जो है दुर्घटना हो गई है। पुलिस के प्रति उनका आक्रोश है, लेकिन इस संबंध में अलग से FIR की जा रही है। जो भी वो तहरीर देंगे उस पर जाँच की जाएगी, सब दबाएगी, उसकी जाएगी। ट्रक को जो है बरामद कर लिया गया है और जो दूसरा भी व्यक्ति जिसे आरोपित बता रहे हैं वो भी शायद थाने पे आ गया। ट्रक चालक फरार है, गिरफ्तार? ट्रक चालक का तो अभी नहीं पता, देखना पड़ेगा, हो सकता है भागी गया होगा, अभी देखना पड़ेगा कि थाने। मैम परिजन कुछ आरोप भी लगा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? परिजन का ये था कि उनका कहना है कि हमारे किसी आवेदन के क्रम में जांच के लिए बुलाया गया था और उसी क्रम में उनका आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो उसकी जांच की जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।